बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश्वर लाइफस्टाइल। आज आ गए आपको नए ब्लॉग के साथ। आज मैं खाना बनाने वाला हूँ। क्या खाना बनाने वाला हूँ? सॉरी, खाना नहीं, नूडल्स बनाने वाला हूँ। दिखाओ नूडल्स, दिखाओ। क्या नूडल्स है? अभी इसे पकाने का है। पका हुआ है ना? अंडा तो गाइस, अभी मैं अंडा भुजिया कर रहा हूँ। भुजिया बोलते हैं ना इसे, पता नहीं कुछ भी बोलते हैं। बहुत दिनों से मैं खाना नहीं बनाया, तो आज बना रहा हूँ चाइनीज टाइप का। ये देख कैसे बनाए, देखो तो जरा। हाँ हाँ, बच्चे नहीं जाएंगे। बहुत गर्म है। चलो गाइस, ये मस्त बन गया है। अभी इसे निकाल लेते हैं। देखो कैसा बना है। हाँ, कितनी मस्त खुशबू आ रहा है। तो गाइस, सब अंडा भुजिया हो गया है। अब तैयारी करना है नूडल्स की। अब इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा ही डालता हूँ ताकि नूडल्स भी अपना बहुत है। तो गाइस, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा बैठ लेता। आपको भी अगर खाना हो, आप आ जाओ हमारे पास, एकदम फ्री में खाना खिलाएंगे आपको। मुझे बहुत भूख लगा है। तुम्हें भूख लगा है? हाँ, लगा है ना। लगा है। चाइनीज अगर घर पे बनाओ ना तो बहुत मजा आता है। दुकान में जाके खा के क्या मजा है? दुकान में गया, अब जो पैसे दोगे उतना ही मिलेगा ना। और घर पे कैसा है, आपको जितना चीज पेट भर के खा सकते हो। और घर का खाना ही होता है। बराबर है कि नहीं टिंडू भाई? बराबर। तो अभी हमको क्या डालना है, सूखा मिर्च। पता नहीं रानी खाना बनाती है कहाँ कहाँ रख देते हैं। देखो लाल पड़ा, लाल वाले डिब्बे में। देखो लाल वाले डिब्बे में, वो वाला नहीं। बोला इसमें, देखो चिंटू भाई को बताया, मुझे नहीं बता। तो अभी सूखा मिर्च डाल रहा हूं मैं, ज्यादा तीखा हो जाएंगे नहीं तो खा नहीं सकते। तो दानी जी नहीं कह सकते ना तेरा तीखा, हम लोग खा सकते। अभी इसमें क्या डालू, इसमें क्या दिख रहा है, जीरा। ये देखो, ये सबज पला। मुझे गरम मसाले का कुंडा डालना। गरम मसाले का कुंडा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी नहीं, मेरी कभी नहीं डालना चाहिए, बात जलता है। इसमें क्या है, पाउडर, धनिया पाउडर। ये क्या है, कितना मस्त लग रहा है, देखो फूल। गर्लफ्रेंड को देना चाहिए, आई लव यू। लाइट चले गए नानी, टीवी बंद कर दो, थोड़ी स्लो हो गया। जीरा, जीरा सबज बोला। अरे ये बात ऑयल के हाँ। पास है, तेल के पास। हाँ, वही देखा गाइस, मैं बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया, इसके लिए मुझे पता नहीं कौन सी सामान कहाँ रखा गया है। तो अभी
क्या डालू? थोड़ी सी पेस्ट डालता हूँ अदरक और लहसुन का, ये तो जा ही नहीं रहा है, जा क्यों नहीं रहा है, इसमें से डालेंगे। कांदा डाल देंगे, हाँ कांदा, कांदा डाला है। तू इसके ऊपर बैठ जा। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक हिसाब से डालना पड़ेगा, ज्यादा नमक भी नहीं चाहिए। बापरे बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया तो बहुत रिस्की होने लग गया। खिड़की खोल दो। नमक डाल दिया, अब हल्दी, हल्दी देखो बाजू में देखो देखता है इसमें है क्या, तो चम्मच डाल लो हल्दी का। हाँ मिर्ची है ना, मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर थोड़ा ही डालूंगा, ठीक है। कलर की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें ऐसे येलो कलर ही पसंद है, मैं तो पीला टाइप का बनाऊंगा। हल्दी, हल्दी डालूंगा दो चम्मच, बस पता नहीं बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया कैसा बनेगा क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर जैसे भी बनेगा आपको दिखाएंगे। या फिर पेस्ट बना रहे अभी नहीं तो गाइस दे सकते हो आप, धनिया डाल दे है अंदर में, तो हल्दी है ना, हल्दी दे दे आपको, उसमें भी है गरम मसाला बहुत। टमाटर डाल रहे हैं देखते हैं, तो गाइस फाइनली पेस्ट बन गया है, देखो हमारी नूडल्स का, अब देख सकते हो कैसा बना है पेस्ट, ये देखो ऐसा पेस्ट बनाया है नूडल्स के लिए। तो अभी इसमें हम डालेंगे अंडा, स्टार्ट करेंगे अंडा, हाँ 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 अभी तो देखते ही जवान पे पानी आ गया। अब इसको थोड़ा करने के बाद ले हमारी गैस लुल हो गया, गैस सिलेंडर लुल हो गया, तो गाइस हमारा गैस, अभी दूसरा गैस लगाना पड़ेगा, गैस खत्म, हम लोग का गैस खत्म हो गया, देख सकते हो कि कैसे अब चल रहा है हमारा। अब गैस चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा चाइनीज होगा। तो गैस लगाने के बाद, हेलो गाइस आपको गैस लगाने के बाद फिर दिखाते कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमने गैस लगा दिया है, सिलेंडर को लगाया है, तो वापस बनाने की तैयारी चालू है, तो फिर आप हम आपको दिखाएंगे नूडल्स डालने के बाद, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम नूडल्स डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे उसमें, देखो कैसे हम ऐड करते हैं। नीचे भी जल ना जाए इसका भी ध्यान रखना चाहिए,
हिचकी 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 आने लग गए। সন্ধ্যা বেলায় তুমি আমি বসে আছি দুজনে, শাম ঢলে খিড়কি তলে তুলসী বাজাতে আনো। ইতনা নুডলস ডাল দো না, नूडल्स बना के खाने में आज तो मजा आएगा बहरा डनडा। तुम के चला छोड़ दो। पिंटू भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया कलर है। बढ़िया कलर है, देखिए मुंह में पानी आ गया है मेरा। ले भाई के मुंह में पानी आ गया। इससे बहुत हिलाना पड़ता है, नीचे नीचे लग जाएंगे ना तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, जलने की खुशबू आने वाली है, इसलिए मैं बार बार इसे हिला रहा हूँ। ऐसे तो नूडल्स पका हुआ है क्योंकि इसे बॉइल करके रखा था मैंने, और ऐसे मसाला भी पक गया है, सिर्फ थोड़ा सा मिक्स होने के लिए हम देंगे, मिक्स होने की तैयारी में है। तो मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद खाना खाएंगे। चिंटू बना सकता है ऐसे? हिला, गिराना मत, हिला। नहीं नहीं क्यों? तुम बना। मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, ये तो बैठ बैठ के नहीं जमता। तो गाइस फाइनली बन चुका है हमारे नूडल्स, तो फाइनली नूडल्स बन चुका है, एकदम तैयार हो गया। ये देखो, तो पहले बताया हमारे नूडल्स की कलर जरा येलो येलो रहेंगे क्योंकि मुझे येलो पसंद है। अगर आप चाहो तो मिर्ची पाउडर ज़्यादा डाल सकते हो रेड कलर दिखाने के लिए, लेकिन मुझे येलो पसंद है। येलो येलो से गाना ही याद आ गया मुझे,
लुज सनम हम आ गए नूडल्स बनाने। चलो तो फाइनली बन चुका है, हम अभी गैस बंद कर देते हैं। हाँ थोड़ा टाइम के लिए हम ढक के रखेंगे इसे। ढकने के बाद फिर इसे खोलेंगे। सो गाइस से थकते हैं हम लोग तो गाइस हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, इतना मेहनत किया नूडल्स के पीछे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।